हेलो। हाँ जी दोस्तों, की हाल है? सब ठीक ठाक होंगे? ये अपना एक पावर बैंक सी जो कुछ दिनों खराब हो गया सी। इसनों अज आप खोल के रिपेयर किया। रिपेयर करन तो पहला सारी दी सेटिंग करके पावर बैंक अद्धा तैयार होया, जिस दे विच हुण ये 20 सैल लगे हुए आ। इस तो बाद 10 सैल जो लिथियम सैल 18650 10 सैल उपर अलग पाते, क्योंकि यह 2-in-1 पावर बैंक है। दो साइडा दे विच एक साइड अलग। ये देखो तुसी हुण, क्योंकि पुराना काफ़ी है, इहदी हालत थोड़ी खराब हो गई आ। सारा कुछ रिपेयर करने तो बाद हम आप इन चार्जिंग की टेस्टिंग कर रहे हैं। दोनों साइडा 94% एक साइड यदि 91% चार्जिंग उके चल रही है। वीडियो लास्ट तक देखो, फाइनल लुक तुम लास्ट दिखावे। चार्जिंग करने तो बाद हम आप फोन के नाल डाटा केबल ला के यदि आउटपुट, मतलब फोन चार्ज हो रहा कि नहीं हो रहा, आप चेक कर रहे हैं। तुसी देख रहे हो डाटा केबल लाने तो बाद मोबाइल चार्ज ऑन होना लग गया, यानी कि ओके कंडीशन दे विच है। इसकी दरअसल दोनों पावर बैंक दोनों साइडा चो एक साइड की डाटा केबल USB फीमेल यदि खराब हो चुकी थी, जिथे आप डाटा केबल लाने पावर बैंक दे विच, वो दोबारा नवी आप चेंज की आ। एक साइड चेक होगी, दूजी साइड दे विच 94% पावर बैंक की एक साइड है, आप वो भी लगाई तो मोबाइल उहदे नाल तुसी देख रहे हो ऑन हो चुका, चार्जिंग सही चल रही आ। चार्जिंग आप इहदी पहला चेक कर चुके हैं, हुण इहदी आउटपुट चेक हो रही आ। दोनों साइडा दे दोनों साइडा दे विच दो एक साइड, मतलब चार्ज पावर बैंक दे एक PC विच दो डाटा केबल आप ला सकते हैं, दो चार्जर, दो फोन एक साइड, दो फोन एक साइड। फाइनल लुक तुहाडे सामने आ।